हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। एंटी क्रोना सिल्क क्लासेस में आपका स्वागत है। तो व्यूवर्स, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 2 इंच पैराबोलिक आर्च का एनालिसिस किया था और बताया था कि 2 इंच पैराबोलिक आर्च जो होती है हमारी इनडिटर्मिनेट ऑफ 1 डिग्री एंड स्टेबल। तो 2 इंच आर्च को एनालाइज करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी होती है और उस एक्स्ट्रा कंडीशन से हम एच के वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। और एच का जो फॉर्मूला था निकालने का वहाँ पर, वो ये था एच इक्वल टू एम वाई डी एस अपॉन ई आई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई। तो अगर आप 2 इंच आर्च को 3 इंच आर्च से कंपेयर करोगे तो सिर्फ एनालिसिस में फर्क सिर्फ इतना सा है, वहाँ 3 इंच आर्च के अंदर एच की वैल्यू को सी के अबाउट लेते थे, एच की वैल्यू निकालने के लिए टैकिंग मोमेंट अबाउट सी करते थे बिकॉज वहाँ पर हिंज अवेलेबल थी। बट 2 इंच आर्च में हिंज अवेलेबल नहीं है तो एच की वैल्यू निकालने के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। और इस फॉर्मूले से अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू जो निकाली थी वो निकाली थी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच। ठीक है, बाकी बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स प्रोसीजर सेम टू सेम 3 इंच आर्च का ही है। ठीक है, तो जैसे आपने पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल पर आपने एच की वैल्यू निकाली थी, सेम टू सेम व्हेन द पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू कंसेंट्रेटेड लोड, जब हमारा पैराबोलिक आर्च कंसेंट्रेटेड लोड रखेगा तब एच की जो वैल्यू होगी वो होगी एच इज इक्वल टू 25/128 डब्ल्यू एल अपॉन एच। ठीक है व्यूअर्स, तो एक बार आप ये ट्राई करना, अगर आपको ये एच की वैल्यू फाइंड आपसे नहीं होती तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, मैं इसका भी आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे सेमी सर्कुलर आर्च के अंदर भी हम एच निकालेंगे और सेमी सर्कुलर आर्च के अंदर हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी 4/3 डब्ल्यू आर अपॉन पाई। ऐसे ही सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्टेड टू कंसेंट्रेटेड लोड तो उससे भी हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू अपॉन पाई। आप इन सेकेंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस का एक बार आप अपने से ट्राई कीजिए, अगर आपको किसी भी डेरिवेशन के अंदर एच की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इसको भी एनालाइज करा दूंगा। फॉर्मूला आपका निकालने का यही रहेगा, इस फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ मोमेंट की वैल्यू पुट करनी है और डी एस की वैल्यू पुट करनी है, उसका इंटीग्रेशन कर देना है तो ऑटोमेटिकली आपका एच फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, इसमें कुछ स्पेशल केस भी हैं और उस स्पेशल केस में हमारा फर्स्ट स्पेशल केस आता है। देखिए व्यूअर्स, इन स्पेशल केस से होगा ये, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आपको इसके फॉर्मूले बताएं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए। और जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जामों में आते हैं, गेट एसएससी के अंदर डायरेक्टली पूछता है पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू यूवीएल देन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा, पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑन हाफ स्पान देन थ्रस्ट क्या होगा। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि 3 इंच आर्च होगी तो आप सी के अबाउट मूवमेंट करके निकाल लोगे, बट 2 इंच आर्च होगी तो आप जब एच निकालोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा इस फॉर्मूले से, और हमें वहाँ पर आंसर विद इन 30 सेकंड देना होता है, तो इसलिए हमें ये डायरेक्ट इसके आंसर याद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए व्यूअर्स, स्पेशल केस में पहला हमारा आता है पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू यूवीएल। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारा यूडीएल जो होता है वो ट्वाइस ऑफ यूवीएल होता है। यूडीएल क्या होता है हमारा, ट्वाइस ऑफ यूवीएल, मतलब अगर हम 2 यूवीएल को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, यूडीएल बनेगा। तो यूडीएल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यूवीएल, तो यूवीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ यूडीएल। तो देखिए व्यूअर्स, ये डायरेक्ट ट्रिक है, मतलब ठीक है व्यूअर्स, आप ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, याद करने की। यूडीएल जो होता है वो ट्वाइस ऑफ यूवीएल होता है, तो यूवीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ यूडीएल, मतलब यूवीएल का जो थ्रस्ट होगा वो यूडीएल का कितना होगा, आधा होगा। तो यूवीएल इक्वल टू हाफ यूडीएल का थ्रस्ट, यूडीएल की किस्म में कितना होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच। तो यूवीएल के लिए थ्रस्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 एच। तो पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू यूवीएल देन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 एच, जस्ट यूडीएल का हाफ। और अगर हमारे हाफ पोर्शन पर अगर हमारा यूडीएल रखेगा तो उस केस में भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू यही होगी,
डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 एच। तो व्यूअर्स देखिए हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस जो है वो ये है, पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडिंग। अगर हमारी 2 इंच पैराबोलिक आर्च में इसेंट्रिक लोडिंग लगेगी तो इसमें जो एच की जो वैल्यू होगी, एच का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा 5/8 डब्ल्यू एल अपॉन एच एन माइनस 2n³ + n⁴। ठीक है, ये ड्राइव करने के बाद फॉर्मूला आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट था तो उसको मैं थोड़ा इजी पे मैं लिख दिया, 5/8 डब्ल्यू एल बाई एच एन माइनस 2n³ + n⁴ वेयर n इक्वल टू होता है हमारा a बाई एल, a बाय एल। तो देखिए व्यूअर्स, पैराबोलिक आर्च जब इसेंट्रिक लोडिंग रखेगी 2 इंच आर्च की केस में, तो एच की जो वैल्यू होगी वो होगी 5/8 डब्ल्यू एल बाई एच एन माइनस 2n³ + n⁴ वेयर एन इक्वल टू ए बाई एल। ठीक है व्यूअर्स, तो देखिए व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट केस है पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडिंग। पैराबोलिक आर्च जब इसेंट्रिक लोडिंग रखेगी, देखिए हाफ यूडीएल होगा तो हमारा हो जाता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16h। ठीक है, यूडीएल का हाफ, लेकिन अगर ये यूडीएल भी हमारा सेंट्रिक लगेगा, हमें पता नहीं है कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो उस केस में h निकालने का फॉर्मूला है h इक्वल टू डब्ल्यू ए स्क्वायर 16h³ ब्रैकेट 5l³ माइनस 5la² प्लस 2n³। ठीक है व्यूअर्स, तो पैराबोलिक आर सब्जेक्टेड टू सेंट्रिक लोडिंग, तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा डब्ल्यू ए स्क्वायर 16h³ ब्रैकेट 5l³ माइनस 5la² प्लस 2a³। सॉरी व्यूअर्स, यहाँ आएगा 2a³। ठीक है, तो पैराबोलिक आर सब्जेक्टेड टू सेंट्रिक लोडिंग, देन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरटीयू एंड कॉम्पिटिशन ऑल्सो। देखिए व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपको एक केस बताया था, जब हमारा यूवीएल इस पूरे स्पान पर लगता है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू होती है वो यूवीएल की हाफ होती है। अब मैं ये बोल रहा हूँ हमारा यूवीएल जो है अगर मिड सेक्शन पे ही लगेगा तो एच की जो वैल्यू होगी वो होगी 61/1536 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एच। ये आपको याद करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूवीएल अगर होल स्पान पर लगेगा तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू यूडीएल की हाफ हो जाएगी। यूडीएल के केस में होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h, तो यूवीएल में हो जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16h। बट अगर वही यूवीएल हमारा मिड स्पान पर ही लगेगा तो देन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू होगी 2 इंच आर्च के केस में वो होगी 61/1536 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एच। और अगर व्यूअर्स यही हमारी ट्राइंगुलर लोडिंग दोनों साइड होगी सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर, डब्ल्यू एल यूडीएल जो है हमारा ट्राइंगुलर लोडिंग जो है डब्ल्यू पर मीटर है, तो इस केस में जो हमारा एच निकल के आएगा वो हमारा होगा 61/768 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एच। देखिए अगर हमारी लोडिंग सिर्फ हाफ पर ही लग रही थी तो एच की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी व्यूअर्स, 61/1536 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एच। बट ट्राइंगुलर लोडिंग दोनों तरफ लगेगी तो हो जाएगा 61/768 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एच। ये सारे फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएंगे और कॉम्पिटिशन के लिए भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए। थैंक यू व्यूअर्स, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।